फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बताऊंगी आपको सिंगल करके बहुत ही आसान खूबसूरत डिज़ाइन, और वीडियो को पूरा देखिएगा। डिज़ाइन इतना इजी है कि आपको उल्टा सीधा बनाना होता होगा ना, तब भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, एक बार आपने इसे बना लिया ना तो कहोगे कि वास्तव में बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल स्ट्रेचबल, इवन नंबर में कितने भी हमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे इतने मल्टीपल में फंदे चाहिए तभी हमारी डिज़ाइन सेट होगी। तो कितने भी फंदे होंगे अपन आपके, वही आपके डिज़ाइन सेट हो जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और गाइस विनम्र निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग जैसे इस चैनल पर हमें प्यार दे रहे हैं, वैसे मेरा दो चैनल और भी है, माया मिश्रा ब्लॉग एंड माया विकास मिश्रा। तो प्लीज़ जैसे आप लोग इस चैनल पर प्यार दे रहे हो, उस चैनल पर भी ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनेगी रॉन्ग साइड, उल्टे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, तो पहली सिलाई रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड की तरफ क्या करें, इनको सिंपल बुनना है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, पहले फंदे को स्लिप करेंगे उल्टे की तरफ। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, उल्टे की तरफ से ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चार सिलाई की डिज़ाइन है तो उल्टे की तरफ पहले फंदे को स्लिप किया, बाकी के सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये पैटर्न की ही सिलाई है, आपको ये बनाना ही बनाना है। मतलब आप बॉर्डर बना लीजिए, सीधे की तरफ आप फंदा घटा बढ़ा लीजिए, जो भी आपको मतलब बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए। एंड इसके बाद आइए उल्टे की तरफ, उल्टे की तरफ सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है ना। अब आइए सेकेंड रो दूसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया और दूसरे फंदे को भी स्लिप किया, ध्यान से देखिएगा। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यही हम बार बार रिपीट करेंगे, धागा आगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा स्लिप किया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। धागा आगे, फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो दूसरी सिलाई को इसी प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हो गई दो सिलाई हमारी कंप्लीट, इजी है ना। अब देखिए थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे, वैसे ही करेंगे जो स्लिप वाला फंदा है उसे स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, बुने वाले फंदे को बुन लेंगे उल्टा, उधर से सीधा इधर से उल्टा। धागा पीछे स्लिप किया, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे स्लिप किया, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे स्लिप किया। तो इस प्रकार से हम थर्ड रो भी अपना कंप्लीट कर लेंगे, है ना इजी। और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बनाने में बिल्कुल यूनिक लगेगा, अच्छा लगेगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाओगे, जेंट्स स्वेटर, लेडीज का गार्डियन जैकेट, किसी प्रोजेक्ट पर आप इसे बनाओगे अच्छा लगेगा। तो थर्ड रो कम्प्लीट हो गई। फोर्थ रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, बाकी के सारे फंदे को आपको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। ये हो गई चौथी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब गाइस यही चार सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है। फिर से आप उल्टे की तरफ आ गए तो फिर से उल्टे की तरफ हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। फिर मतलब जैसे मैंने बताया आपको, पहली सिलाई से चौथी सिलाई तक जब आप बार बार रिपीट करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो ऐसी डिज़ाइन कंप्लीट होगी। देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, फुल स्ट्रेचबल भी है, आपको उल्टा सीधा बनाना आता तब भी आप बना सकते हो। और देखिए देखने पर लगेगा ना कि आपने कैसे ये डिज़ाइन बनाई होगी, है ना, बिल्कुल भूल भुलैया जैसे, ऐसी लग रही है कि जैसे आपने ये बहुत ही मेहनत से बनाई होगी, बट कितना इजी है बनाने में। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपको यह डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।